हेलो सर, ये फिलिप्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जो 5 लीटर की होती है, मॉडल एवरफ्लो। एक छोटा सा पार्ट होता है जो हम घर पर भी मशीन की अपनी सर्विस कर सकते हैं। और जो मेन रहता है इसमें जो फिल्टर, वो फिल्टर क्लीन कैसे करना है वीकली में, और चेंज कैसे करना है। जो चेंज का पीरियड रहता है वो 4500 घंटे का रहता है। जो हमारी रीडिंग इधर आती है, जो 4500 ओवर 4500 घंटे, इसमें वो 4500 घंटे इसमें लिखा रहता है रीडिंग में यहाँ पे, तो वो तभी चेंज करना रहता है। मशीन स्टार्ट करते हैं तो ये इस तरीके से चल जाती है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी फिल्टर चेंज करना है तो मशीन स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, तो पहले बंद ही करनी है इसको। बंद करने के बाद फिल्टर बैक साइड रहता है इस तरीके से, यहाँ से निकालते हैं। निकालने के बाद ये फिल्टर इधर रहता है, इस तरीके से निकालते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम फिल्टर चेंज करते हैं या हम वीकली में या 15 दिन में, तो पहचान किस तरीके से करनी है कि यहाँ पे ब्लैक नहीं हो पाए। इधर यहाँ जब न्यू रहता है तो ये वाइट रहता है, इधर से भी ब्लैक हो जाता है, तो 4500 घंटे के बाद इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी कलोनी होती है जहाँ पर डस्ट भी ज़्यादा रहता है, तो वो 3000 घंटे से पहले भी चेंज कर सकते हैं हम, ताकि ये ब्लैक हो जाता है उस टाइम पे। मशीन में प्रॉब्लम होने लगती है, ऑक्सीजन में जो डस्ट आने लगती है। तो इस तरीके से जो डेली रूटीन में करना है 1 वीक में, तो इस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं। ये डस्ट में यहाँ से होल से डस्ट निकलेगी, वो ब्लैक सा कुछ स्पॉट रहते हैं वो निकल जाएंगे इस तरीके से। हालांकि 4500 घंटे के बाद तो हमको चेंज ही करना है नॉर्मली। ये घर पर ही आप नॉर्मली छोटी सी एक सर्विस कर सकते हो, जिससे कि मशीन की लाइफ बनी रहेगी और अच्छे से चलेगी। ये छोटा सा पार्ट होता है सर्विस का, इस तरीके से बंद कर सकते हैं। ये आपकी मशीन रेडी हो जाती है।